बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंस्टाग्राम का हमारा जो है वो कोर्स चल रहा था और इंस्टाग्राम के अंदर कंटेंट की हम लोग जो है वो बात कर रहे थे। तो आजकल जो इंस्टाग्राम के ऊपर सबसे ज़्यादा कंटेंट जो लोग जिसके साथ इंगेज होते हैं वो रील्स और वीडियोस तो है ही हैं, लेकिन उसके बाद अगर हम लोग जो है वो बात करें इमेजेस की तो कंटिन्यूस इमेजेस या कैरोसेल इमेजेस, वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा इंगेज होते हैं। तो अगर आप लोग अपनी न्यूज़ फीड को जो है वो चेक करें तो तकरीबन हर दूसरी तीसरी पोस्ट आपको ये कंटिन्यूस या स्क्वायर इमेज है वो मिलेगी, जिस तरह ये अभी आप लोग देख सकते हैं, कंटिन्यूस या कैरोसेल सॉरी जो है वो मिलेगी। इसी तरह अगर आगे हम लोग आए और यहाँ पे ये देखें, ये जो है वो कंटिन्यूस इमेज है वो बनी हुई है। इसी तरह ये मेरे पास कंटिन्यूस इमेजेस जो है वो आ रही हैं, और भी इसी तरह अगेन जब आप लोग अपनी न्यूज़ फीड देखेंगे तो इसमें आपको जो है वो कंटिन्यूस इमेजेस मिलेंगी। तो मैक्सिमम ये 10 इमेजेस जो है वो हम लोग एक पोस्ट के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये इमेजेस आप लोग फोटोशॉप के ऊपर भी जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, इलस्ट्रेटर के ऊपर भी जो है वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं, या कैनवा के ऊपर भी कर सकते हैं। तो अभी मैंने कैनवा के ऊपर ये कंटिन्यूस इमेज जो है वो बनाई हुई है और इसको जो है वो आप लोग देख सकते हैं। ये इमेज के मैंने मुख्तलिफ पार्ट्स वगैरह जो है वो बनाए हुए हैं। ठीक है, ये डिज़ाइन जो है वो कैसे की जाती है इसको आप लोग जो मैंने कैनवा का एक कोर्स जो है वो ऐड किया हुआ है उसके अंदर जो है वो देख सकते हैं। और ये फाइल है, इसको मैं जो है वो फ़िलहाल डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से। ये मेरे पास आ गई डाउनलोड, और इसको मैंने जो है वो कर लिया डाउनलोड। तो ये मेरे पास बेसिकली फुल फ्लैज कंटिन्यूस इमेज जो है वो डाउनलोड हो गई, जिसके मैंने जो है वो पार्ट्स बनाने हैं। तो अभी अगर आप लोग जितनी देर ये डाउनलोड हो रही है इसमें देखें, मैंने इसमें टोटल 7 इमेजेस जो है वो बनाई हुई हैं। तो मैं इसके बेसिकली जो है वो 7 पार्ट्स जो है वो करने जा रहा हूँ। और यहाँ पर अगर देखें तो मेरे पास ये इमेज यहाँ पे ये डाउनलोड जो है वो की है, ये मेरे पास इमेज आ चुकी है। ठीक है, लेकिन अभी इसके मैंने पीसीस जो है वो करने हैं। तो दोबारा से मैं जो है वो गूगल के ऊपर जाऊंगा, पॉइंट टूल्स, और पॉइंट टूल्स में स्प्लिट इमेज, इसका यूआरएल भी आ रहा है pointtools.com/split-image। तो यहाँ पर आप लोगों ने चूज़ फाइल करना है और उस फाइल को जो है वो यहाँ पे डाउन अपलोड जो है वो कर देना है। तो ये मेरे पास फाइल आ गई है, इसको मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। यहाँ से आपने हॉरिजेंटली की ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट करना है और उसके बाद जितने नंबर ऑफ इसके पीसेस करना चाहते हैं वो कर देने हैं। तो 7 मैंने बेसिकली बनाए थे, तो 7 यहाँ पे कर दिया। उसके बाद जो क्वालिटी है उसको मैक्सिमम कर दें और स्प्लिट इमेज के बटन के ऊपर क्लिक कर दें। तो आपके पास ये 7 पीसीज इमेज जनरेटेड, इनको आपने डाउनलोड कर लेना है। तो 1 by 1 इन पर क्लिक कर सकते हैं या डाउनलोड जिप फाइल भी जो है वो कर सकते हैं। तो मैं 1 by 1 इनको डाउनलोड कर रहा हूँ। तो ये 7 की 7 इमेजेस मेरे पास जो है वो डाउनलोड हो चुकी हैं। और अब अगर मैं डाउनलोड फोल्डर में जाऊं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरे पास जो है वो 5 इमेजेस, यहाँ से 7 इमेजेस, 1, 2, 3, 4 अगेन 5, 6 और ये 7 इमेजेस आ चुकी हैं। अब नेक्स्ट काम हम लोगों ने जो है वो ये करना है कि इनको अपने मोबाइल डिवाइस के अंदर जो है वो सेंड कर लेना है। तो मैं इनको अपने मोबाइल डिवाइस में सेंड कर रहा हूँ और वहाँ से आगे इसको अपलोड करना सिखाता हूँ आपको। तो जी दोस्तों, मैंने जो है वो अपने आप को वो पिक्चर्स जो अभी हमने थोड़ी देर पहले जो है वो बनाई थी वो सेंड कर ली हैं। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग पोस्टिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे टॉप पे आप लोग देख सकते हैं प्लस बटन जो है वो मेरे पास टॉप राइट साइड के ऊपर आ रहा है, या तो हम लोग इसके ऊपर ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, या यहाँ पे बॉटम पे मिडल ऑफ स्क्रीन जो है वो आपके पास जहाँ पे ये रील्स बटन अभी मेरे पास आ रहा है यहाँ पे प्लस बटन होगा, तो यहाँ से आप लोग इसको जो है वो अपनी न्यू पोस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं टॉप पे जो मेरे पास प्लस बटन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे जो मैंने इमेजेस जो है वो बनाई थी वो मेरे पास जो है वो आना शुरू हो गई है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इन इमेजेस को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। सो जस्ट एग्जांपल, फर्स्ट इमेज, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7। तो ये मैंने 7 की 7 पिक्चर्स जो है वो यहाँ पे इकट्ठी जो है वो सिलेक्ट कर ली है।
उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे पोस्ट स्टोरी रील लाइव की ऑप्शन है, तो यहाँ से पोस्ट ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पे आपके पास ये प्रीव्यू नजर आ रहा है, तो यहाँ पे आप लोग जो है वो देख सकते हैं। ये प्रीव्यू से भी आप लोग मेक श्योर कर सकते हैं कि आपकी इमेजेस की तरतीब जो है वो सही है, क्योंकि कंटिन्यूस इमेज में बाज़ूकात ये चीज़ें जो है वो आगे पीछे हो जाती हैं। और इसी तरह अगर ये आप लोग जो है वो यहाँ पे बॉटम पे देखें तो ये कुछ फिल्टर्स वगैरह अवेलेबल है, अगर कोई फिल्टर अप्लाई करना चाहे तो आप लोग वो कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो है वो कैप्शंस आ रहा है, तो हम लोगों ने जो है वो पहले कैप्शंस जो है वो लिख देने हैं, सो कॉन्टेक्टिंग विद फेसबुक सपोर्ट इज वेरी हेक्टिक, मोस्ट पीपल डोंट नो हाउ टू कॉन्टेक्ट विद फेसबुक सपोर्ट। और उसके बाद इन दिस पोस्ट यू लर्न हाउ टू कॉन्टेक्ट विद फेसबुक सपोर्ट, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब मैंने क्या करना है, एक एंटर प्रेस करके डॉट जो है वो डाल देना है, उसके बाद फिर अगेन एंटर प्रेस करके डॉट और एक दफ़ा फिर एंटर प्रेस करके डॉट। और यहाँ पे अब आप लोग जो है वो अपने जितने भी हैशटैग्स हैं वो सारे ऐड कर सकते हैं। तो मैं अभी क्या कर देता हूँ जी, पहला फेसबुक, फिर फेसबुक एड्स, उसके बाद फेसबुक एड्स हेल्प, उसके बाद फेसबुक सपोर्ट, फेसबुक एड्स सपोर्ट, इस तरह हाउ टू हैशटैग हाउ टू कॉन्टैक्ट विद फेसबुक सपोर्ट, ठीक है। ये बहुत लॉन्ग जो है वो हैशटैग हो गया, लेकिन अगेन रेलिवेंट है तो मैंने जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिया। नॉर्मली हम लोग ऐड नहीं करते। और इसी तरह से जो ब्रांडेड हैशटैग है वो भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो है वो पोस्ट मैंने जो है वो क्रिएट कर ली, उसके बाद इसको मैं कर देता हूँ ओके। उसके बाद टैग पीपल आ रहा है, टैग पीपल के ऊपर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे ऐड टैग की ऑप्शन है मेरे पास, या सेकंड जो है वो कोलैबोरेटर की ऑप्शन है। तो टैग्स में हम लोग, ये होता है कि इमेज के ऊपर किसी भी जगह पे क्लिक करके किसी भी पर्सन को जो है वो टैग कर सकते हैं, ठीक है। सो जस्ट एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मैं अपने आप को यहाँ पे टैग जो है वो कर सकता हूँ, या किसी भी और पर्सन को हम लोग जो है वो टैग कर सकते हैं। और सेकंड हमारे पास इनवाइट कोलैबोरेटर्स आता है, तो इसमें बेसिकली जो है वो क्या होता है, अगर दो या दो से ज़्यादा लोगों ने मिलके जो है पोस्ट बनाई है उसके अंदर कोई भी किसी किस्म का कंटेंट वगैरह जो है वो ऐड किया, तो आप लोग क्या कर सकते हैं एज अ कोलैबोरेटर उस पर्सन को जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो जस्ट एग्जाम्पल मैंने भी यहाँ पे अपने आप को एज अ कोलैबोरेटर अपनी जो पर्सनल प्रोफाइल है वहाँ पे ऐड कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने कर देना है इसको डन। तो उसके बाद ऐड रिमाइंडर है, रिमाइंडर की ज़रूरत नहीं है। लोकेशन जो है वो इसको अभी मैं फ़िलहाल कर देता हूँ यूएसए के लिए, ठीक है, ताकि मेरी जो है वो लोकेशन यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो सिलेक्ट हो जाए। बूस्ट पोस्ट की अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, और मैं ये चाहता हूँ ये मेरी पोस्ट साथ ही फेसबुक पेज के ऊपर भी जो है वो अपडेट हो जाए। ट्विटर टम्बलर पर अगर करना चाहें तो उनको एक्टिवेट करके उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स टोटली अप टू यू। और उसके बाद आपने शेयर बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है, तो ये आपकी पोस्ट जो है वो शेयर होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और अभी जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि ये पोस्ट जो है वो, ये पोस्ट मेरे पास आ चुकी है। और अगर इसको मैं फर्दर देखूँ तो ये देखें, ये कंटिन्यूस इमेज जो है वो मेरे पास यहाँ पे जो है वो बन चुकी है, ठीक है। और इसी के नीचे आ रहा है कि आर डॉट फैसल अब्बास, यानी जो मेरा पर्सनल हैंडल है, वाज इन्वाइटेड टू कोलैबोरेटर बट हैज़ नॉट एक्सेप्टेड येट। तो मेरे दूसरे अकाउंट के ऊपर
एज अ कोलैबोरेटर एक्सेस जो है वो आ चुकी है, उसको जैसे मैं अप्रूव करूंगा तो मेरी प्रोफाइल के ऊपर भी अपीयर होना शुरू हो जाएगी, और उसी तरह से ये मेरे पास इसकी आगे फर्दर जो भी होगा। अब इसमें मैंने इमोजीज वगैरह भी फिलहाल ऐड नहीं किए, आप लोग जब पोस्ट करें तो इसको भी फर्दर जो है वो चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूस इमेजेस को जो है वो अपने अकाउंट्स के ऊपर जो है वो ऐड कर सकते हैं। और अगेन जिस तरह मैंने पहले बताया कि इनमें बहुत ज़्यादा जो है वो पावर है और बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट्स जो है वो ये आपके अकाउंट के ऊपर लेके आ सकते हैं।